हेलो एवरीवन, मायसेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग मशरूम कल्टीवेशन का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जानेंगे और साथ ही साथ उसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही बताया था कि मशरूम के अंदर अपने में ही बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं, साथ ही साथ बहुत से मशरूम हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी कंटेन करते हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं मशरूम, चाहे आपका शिटाके हो, कॉडिसेप हो, या फिर ये यामाबू शिटाके हो, माइटेक हो, या रेजिनी हो, ठीक है। आपका कॉडिसेप जो है उसी को चाइनीज़ मशरूम कहते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था। ये सारे जो हैं मेडिसिनल मशरूम हैं, ठीक है। इनको अलग अलग नामों से जाना भी जाता है, जैसे मैंने आपको कहा रईशी, इसे लॉन्गिविटी मशरूम भी कहा जाता है। माइटेक जो है उसे किंग ऑफ मशरूम कहा जाता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी बिकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपका यामाबू शिटाके बोला, उसे मंकी हेड मशरूम कहा जाता है, क्योंकि इसका हेड जो, मतलब इसका जो शेप है वो समहाउ मंकी के हेड जैसा दिखता है, जो वाइट वाला होता है, ठीक है। फिर शिटाके, उसे फॉरेस्ट मशरूम कहा जाता है, ये बहुत बेनिफिशियल होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव बिकता है और मोस्टली आपको फॉरेस्ट में ग्रो कर मिलेगा। आपका कॉडिसेप जो कि चाइनीज़ मेडिसिनल ट्रेजर मशरूम है, ठीक है, शिटाके भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकता है, और ये जो है आपको ये वॉर्म शेप का दिखेगा, ठीक है। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मशरूम। तो सबसे पहले पॉइंट आता है इसमें वाटर। तो हम जानते हैं कि मशरूम में सबसे ज़्यादा ये आपका मॉइस्चर कंटेंट होता है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 90% आपका वाटर ही होता है, ठीक है। फिर बात आती है प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड की। तो मशरूम जो है वो अपने हाई प्रोटीन कंटेंट के लिए जाना जाता है, जैसे कि हमारे सीरियल्स वगैरह होते हैं ना, उसी तरह इसमें भी हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, और साथ ही साथ इसमें सारे असेंशियल अमीनो एसिड, जैसे आपका ल्यूसीन हो गया, आइसोल्यूसीन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, थियोनीन, फिनाइल अमाइन, मिथियोनिन, लाइसिन, इसके साथ साथ एलिनिन, आर्गिनिन, साइटिसिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन, एस्पार्टिक एसिड, सीरिन, इस टाइप के सारे अमीनो एसिड जो एसेंशियल हैं वो आपके मशरूम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखिए मशरूम की कितनी मस्त वैरायटी बनाई गई है, खाने में भी अच्छा लगता है, नो डाउट इन इट, ठीक है। मशरूम का जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो 0.8 से 0.9% तक वेरी करता है। इसमें एक दो पॉइंट आपको अप डाउन मिलेगा आपके अलग अलग PPT में, ठीक है। मशरूम जो है, वैसे तो अभी आपने देखा कि सारे एसेंशियल आपका अमीनो एसिड्स ऑलमोस्ट उसमें है, लेकिन ये स्लाइटली इन्फीरियर रहता है आपके आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन और हिस्टिडीन में, ठीक है। मिथियोनिन और सिस्टाडीन भी जो है वो समहाउ इसमें कम होता है एज़ कम्पेयर टू आपका मीट एंड वेजिटेबल प्रोटीन्स, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फाइबर। तो आपका मशरूम जो है उसमें फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसलिए बहुत डाइजेस्टेबल होता है और आपका कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी प्रिवेंट करता है। इसमें 3 से 32% तक आपका फाइबर प्रेजेंट होता है, जो काफ़ी हाई कंटेंट है। ये अलग अलग टाइप के मशरूम हैं, इसमें से 4-5 तो हमने नाम पहले देखे जो कि मेडिसिनल थे। उसके बाद आपका बटन मशरूम हो गया, पैडी मशरूम हो गया, ऑयस्टर हो गया, ये प्योरटस हो गया, इस टाइप के जो एडिबल मशरूम्स होते हैं वो भी इसके अंदर बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मशरूम का एक मेन कंपोनेंट है, ठीक है, लेकिन जो एडिबल मशरूम होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेंट यानी कैलोरी कंटेंट जो है वो कम होता है, इसलिए ये आइडियल फूड बन जाता है उन पेशेंट्स के लिए जो डायबिटिक होते हैं या फिर जिन्हें वेट लॉस करना होता है, उनके लिए मशरूम काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट बन जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स तो है लेकिन कैलोरीज काफ़ी कम होती है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन मशरूम मेक देम आइडियल फूड फॉर डायबिटिक पेशेंट एंड ऑल्सो फॉर दोज हु वॉन्ट टू शेड एक्सेस फैट फ्रॉम देयर बॉडी टू रिमेन स्लिम। फिर बात करते हैं हम लोग फैट्स की, ठीक है। तो फैट्स भी मैंने आपको बताया, ये देखिए ये जो चार्ट बनाया है इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका जो मशरूम है उसमें क्या क्या होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इसमें पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, कॉपर होता है, कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैग्नीशियम होता है, टेस्टी होता है, ये लो फैट होता है, इसमें पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, इनहिबिट करता है हिस्टाडिमिन को, जिसकी वजह से आपको सीजिंग एंड कफ हो जाता है, ठीक है, या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, सर्दी होती है, हिस्टाडिमिन के रिएक्शन से हो जाती है, उसका इनहिबिटर अगर एक्टिवेट हो जाता है तो ये उसको इनहिबिट करता है। इसके अंदर फाइबर है, जिंक है, विटामिन का कॉम्प्लेक्स है, बहुत कम कैलोरी है,
ट्रैपीन्स हैं, सेलेनियम भी है जो कि काफ़ बहुत फ्रूट्स में उतना ज़्यादा मिलता नहीं है आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल में, कुछ कुछ पर्टिकुलर में मिलता है, ठीक है। प्रोटीन है और नो कोलेस्ट्रॉल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे फैट की, तो मैंने कहा था फैट कंटेंट काफ़ी कम होता है, अबाउट 0.3% होता है, लेकिन ये रिच होता है एसेंशियल फैटी एसिड्स में, जैसे आपका लिनोलिक हो गया, पाल्मिटिक हो गया, ठीक है, या ऑलिक एसिड्स जो होते हैं, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल इसमें एबसेंट होता है, बट जो ये आपका एर्गोस्ट्रॉल होता है जो कि विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, वो इसमें प्रेजेंट है। तो मतलब आप देख रहे हैं मशरूम में जो भी एसेंशियल है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है या बहुत कम अमाउंट में लेकिन रिक्वायर्ड होता है, वो सब इसमें है, और जो नुकसानदेह होता है वो इसमें नहीं है, ठीक। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन्स की, तो मशरूम में हर टाइप के विटामिन्स होते हैं, आपका बी पूरा बी कॉम्प्लेक्स जो है वो इसके अंदर होता है, आप चाहे थायमिन B1 की बात करें, राइबोफ्लेविन B2 की बात करें, नियासिन की बात करें, बायोटिन की, एस्कॉर्बिक एसिड की, कैरेटीन मतलब विटामिन ए की, विटामिन डी की, इवन फॉलिक एसिड भी इसके अंदर होता है, ठीक है। आपका विटामिन B12 भी इसमें प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ अभी मतलब जब धीरे धीरे देखा गया है कि मशरूम में आपका विटामिन सी के ई भी प्रेजेंट होता है, तो देख रहे हैं कुछ बचा ही नहीं, सारे विटामिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और टेस्टी तो होता ही है ये हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ, अलग अलग इसको तरीके से बनाया भी जाता है, बॉइल करके एज अ सैलड भी बनाया जाता है, या फिर आप देख रहे हैं एज अ आपका सब्जी वगैरह विद ग्रेवी या विदाउट ग्रेवी भी बनाया जाता है, ठीक। फिर आगे बात करते हैं हम लोग मिनरल्स की, मशरूम में मिनरल्स जो है बहुत अच्छे क्वांटिटी में होता है, ठीक है, सारे मिनरल्स ऑलमोस्ट इसमें। कैल्शियम कंटेंट हाई होता है, वही आयरन कंटेंट थोड़ा लो होता है, बट कंपैरेटिवली लो होता है, ठीक है। ये हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स होते हैं, यानी हाई बीपी के पेशेंट्स, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि पोटेशियम सोडियम का जो आपका इनफ्लक्स आउटफ्लक्स होता है उसका, ये आयंस का, वो उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है, हाई रहता है, तो इसीलिए ये हाइपरटेंशन बीपी के पेशेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही साथ इसमें कैडियम, लेड और सेलिनियम के भी कुछ ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं, जो हमने वो न्यूट्रिशन वाला एक जो चार्ट था उसमें भी देखा था, ठीक है। ये कुछ कुछ मशरूम्स के नाम हैं और फिगर्स बने हुए हैं, देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके मशरूम कैसे कैसे शेप्स होते हैं, जिसमें ये आपका अमांतिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, शिटाके हो गया, दुबके दुबके, ओइस्टर आपका, ठीक है ना, ये सारे काफ़ी मतलब फेमस मशरूम्स हैं, और अलग अलग इसका डायग्राम है आप देख सकते हैं, ये मतलब चार्ट में भी है और प्रैक्टिकली भी आपको जो रियलिटी में दिखता है वो भी ये रहा, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, पॉज करके आप आराम से इसे देख लीजिएगा, ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ताकि आपकी क्यूरोसिटीज चैप्टर में बनी रहे। आगे बात करते हैं, अब देखा हमने न्यूट्रिशनल वैल्यू तो काफ़ी हाई है, इसके अलावा भी मशरूम जो है उसमें काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू भी होते हैं, ठीक है। विद हाई प्रोटीन, लो कैलरीज, नो शुगर एंड स्टार्च, दे आर कंसिडर्ड टू बी डिलाइट फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। डॉक्टर भी जो शुगर पेशेंट और हार्ट पेशेंट होते हैं उनको रिकमेंड करते हैं कि मशरूम खाइए, क्योंकि ये लो कैलरी लो फैट होता है, ठीक। मशरूम जो है वो डायबिटिक की पेशेंट्स की चॉइस होती है, साथ ही साथ हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ और ओबिसिटी पेशेंट्स की भी। इसमें हाई फाइबर कंटेंट रहता है और एल्केनाइल ऐश रहता है इसमें काफ़ी हाई कंटेंट में, जो हेल्प करता है पेशेंट्स को जो कि अक्सर कॉन्स्टिपेशन या हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, ठीक। बहुत से डिजीज़ जैसे कि आपका स्कर्बी हो गया, या बेरी बेरी हो गया, या कार्डियक डिस्कम्फर्ट हो गया, वो भी अगर आप मशरूम का एक पर्टिकुलर पैटर्न में कंजप्शन करते हैं तो वो भी प्रिवेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये थायमिन और अदर विटामिन कंटेंट में काफ़ी रिच होते हैं, तो इन सब चीज़ों को वो प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ये सारी विटामिन की डिफिशियंसी से ही होता है। ये कुछ मेडिसिनल मशरूम्स हैं, जैसे बताया था इसको टर्की टेल कहते हैं, जो आपका मल्टी कलर टाइप का दिखता है, इसे टर्की टेल कहते हैं। ये कॉर्डिसेप हो ही गया जो मैंने बोला आपको, वॉर्म जैसा दिखता है आपका, शिटाके हो गया, ये वही लाइन मेन मशरूम होता है काफ़ी, ये भी फेमस मशरूम है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये कुछ जनरल पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मशरूम जो है वो आपकी लॉन्गेविटी को बढ़ा देता है, ठीक है, आपके स्टेमिना को इम्प्रूव करता है, आपका ब्लड फ्लो और हार्ट डिजीज़ रिस्क जो है उसे रिड्यूस करता है, और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर देता है। ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ही आपका हार्ट डिजीज़ रिस्क जो है वो रिड्यूस होता जाएगा,
ठीक है, ये किडनी को सपोर्ट करता है और लीवर को प्रोटेक्ट करता है। ये आपकी स्किन और हेयर को भी इम्प्रूव किया करता है। अगर आप किसी थेरेपी से गॉन थ्रू हुए हैं जिसकी वजह से आपका स्किन का टेक्सचर या फिर हेयर का थिकनेस या टेक्सचर कैसे आप कम हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो आपको मशरूम अपने डाइट में लेने के लिए कहा जाता है एक पर्टिकुलर पैटर्न में, क्योंकि वो इसको इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज़ कर देता है और ब्लड शुगर को भी, आपके बीपी को भी नॉर्मलाइज़ करता है। ये रेस्पिरेटरी इलनेस को इम्प्रूव करता है। इवन अस्थमा में भी मशरूम काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, हाँ, अब ये नहीं कि आप इसे बहुत ज़्यादा ऑयली बना रहे हैं फिर आपको एक इसमें तो कोलेस्ट्रॉल है, नहीं है वो, नहीं, मतलब मशरूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैटर करता है। इंक्रीज़ करता है आपकी सेक्सुअल फंक्शनिंग को और एथलेटिक एबिलिटी को। इंक्री कॉज करता है नर्व रीजनरेशन। ये जो आपका लाइन मेन मशरूम है ये इसके लिए काफ़ी फेमस है क्योंकि ये नर्व रीजनरेशन करता है। तो वो पेशेंट्स जो कि नर्वस सिस्टम डैमेज से गुजरे होते हैं या उसकी थेरेपी ले रहे होते हैं, उनको ये लाइन्स मेन मशरूम खाने के लिए एडवाइस किया जाता है बाय डॉक्टर्स। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी ट्यूमरस प्रॉपर्टी होती है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, इवन एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है, अगर आप मेडिसिनल मशरूम की बात करें तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही था। यहाँ हमने जाना कि मशरूम में कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं, साथ ही हमने जाना कि कुछ मशरूम उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है, आपका जो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें हमने जाना कि वाटर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये इसमें काफ़ी हाई कंटेंट में होते हैं, अच्छे अमाउंट में। वही आपका जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है, यानी इन शॉर्ट कहें तो कैलरीज, कैलरीज कम होती है, इनका कंटेंट रहता है लेकिन कैलरीज कम रहती है। तो ये आपका हर्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट, आपका डायबिटिक पेशेंट, शुगर पेशेंट, या फिर जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं वो पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल फूड माना जाता है और रिकमेंड किया जाता है। फिर हमने मेडिसिनल देखी, अब इनके बारे में भी हम थोड़ा 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 डिटेल में आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।